हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काजू की बर्फी, या जिसको हम काजू कतली भी कहते हैं, और वो बनाएंगे हम सिर्फ 2 चम्मच काजू से। तो आप देख सकते हैं, देखने से कितनी अच्छी लग रही है, एकदम मार्केट जैसी लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी और मजेदार रेसिपीज पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी काजू की कतली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन्नास फूड रेसिपी। तो यहाँ पे हम लेंगे मूंगफली, जो कि 250 ग्राम के करीब है। अब हम इनको एक पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे और इनको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। रोस्ट हम इसलिए कर रहे हैं इनको, जिससे कि इनका कच्चापन निकल जाए और उनका छिलका भी रोस्ट करने से इजीली हट जाता है, इसलिए हम इनको रोस्ट कर रहे हैं। हम इनको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। हमें पता कैसे चलेगा कि रोस्ट होने लग गई हमारी मूंगफली? जब हमारी मूंगफली थोड़ी सी खुलने लगे बीच में से, तब हमें पता चलेगा कि हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई। तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी मूंगफली अब खुलने लग गई है बीच में से, इसका मतलब ये रोस्ट होने लग गई, रोस्ट हो गई ऑलमोस्ट, और इन पर ब्राउनिश वो भी आने लग गए, ब्राउन कलर भी आने लग गया हल्का हल्का। वो हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इनको एक टॉवल पे डाल लेंगे और टॉवल को चारों तरफ से पकड़ के अच्छे से इनको मसल लेंगे, टाइट टाइट मसल लेंगे और इनके छिलके हटा लेंगे। अभी नहीं हटे हमारे छिलके, हम एक बारी और अच्छे से मसलते हैं। ये देखिए, अब हमारे छिलके ऑलमोस्ट हट गए हैं। अब हम इनको एक छलनी में छान लेंगे और मूंगफली और छिलके अलग अलग कर लेंगे। हमारे छिलके निकल गए हैं ऑलमोस्ट। अगर कोई मूंगफली पे छिलका रह गया तो हम उसको मसल के हटा लेंगे एक दो से। वैसे हट गए हमारे छिलके ज्यादातर, देख सकते हैं आप। इनको अच्छे से छान ले और निकाल ले, मूंगफली को अलग कर ले। तो ये देखिए, हटा दिए और मूंगफली को अलग कर लिया। अब हम एक ग्राइंडर जार में डाल के इनको ग्राइंड कर लेंगे और इनका एक फाइन पेस्ट पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे हमने काजू लिए हैं, जो कि 2 चम्मच के करीब है, या फिर 15-20 के करीब लिए हैं काजू। अब हम इन दोनों चीज को डाल के, ये देखिए हमने इनका पाउडर बना लिया। अब हम अपनी चाशनी बनाते हैं। इसके लिए हमने लिए करीब 200 ग्राम के करीब चीनी और उसका आधा पानी, या हमने 1 कटोरी के करीब चीनी लिए तो हम आधा कटोरी पानी डालेंगे। अब हम इसकी एक थिक चाशनी तैयार कर लेंगे। हम इसको हिलाते रहेंगे जब तक हमारी चीनी घुलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपकी काजू कतली कैसी बनी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और फेसबुक पे भी। यहाँ पे मैंने डाला है इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद है तो इलायची डाल सकते हैं आप इलायची पाउडर, नहीं तो अगर आपको रोज वाटर की पसंद है या केवड़ा सेंस पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं। हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से उबल रही है हमारी चाशनी। अब हम इसको 1 तार के करीब बनाएंगे चाशनी को। इसको चेक कर लेते हैं, अभी थोड़ा तो गर्म है। ये देखिए अभी हमारी चाशनी थोड़ी थोड़ी सी चिपचिप कर रही है, अभी 1 तार भी अच्छे से नहीं बन रहा इसमें। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अब ये देखिए इसमें 1 तार अच्छे से बनने लग गया। अब हम अपना
मूंगफली का पाउडर इसमें डाल देंगे। मूंगफली और काजू का पाउडर जो हमने बना के रखा हुआ है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल के बिल्कुल हिलाते रहेंगे इसको, एक हाथ से डालेंगे और हिलाते रहेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से घुल गया, इसका एक अच्छा सा बैटर बन गया और इसमें उबाल आने लग गया है। अभी हम इसको थोड़ी देर चलाएंगे जब तक ये बैटर पैन को ना छोड़ दे, तब तक हम इसको चलाएंगे। ये थोड़ा थिक होने लगेगा तब हम फ्लेम ऑफ करेंगे, अभी हम थोड़ी देर चलाते रहेंगे। बोल रहा है अच्छे से, फ्लेम को हमने मीडियम किया हुआ है, थोड़ा सा थिक होने लग गया हमारा बैटर, देख सकते हैं किनारों पे लगने लग गया, किनारों से भी हटाते रहे और नीचे से भी चलाते रहे जिससे ये जले ना, नीचे ना लगे। अब थोड़ी वैसी कंसिस्टेंसी आने लग गई इसकी जिससे बर्फी बनने वाली, देख सकते हैं ये इसने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और हमारा बैटर थिक होने लग गया। अब हम इसमें एक चम्मच घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी देख सकते हैं बिल्कुल इकट्ठा हो गया, एक एक साथ हो गया ये पूरा और इसने पैन को एकदम छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको एक फ्लैट सरफेस पे निकाल लेंगे। बिल्कुल ये देखिए कितने अच्छे से इसका एक बैटर, थिक बैटर बन गया। अब हमने यहाँ पे बटर पेपर लिया, अब इसको चाहे तो एक बटर पेपर पे निकाल सकते हैं या फॉइल पे निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे बटर पेपर लिया, हम इस पे निकालेंगे इसको। हमारा बैटर थिक होने लग गया, हम इसको डाल के इस पे फ्लैट करेंगे इसको। आप स्पैचुला से फ्लैट कर सकते हैं या अभी गर्म है तो हम हाथों से तो नहीं कर सकते इसको, या फिर एक बेलन से बेल सकते हैं इसको रोटी की तरह। हम अभी स्पैचुला से फैला रहे हैं इसको, अभी हम इसको बटर पेपर को पलट के बेलन से फ्लैट कर लेंगे इसको। अब थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं इसकी, ज्यादा मोटा कम भी रख सकते हैं। वैसे काजू कतली थोड़ी सी पतली होती है इसलिए हम इसको थोड़ा सा पतला बेल लिया हमने इसको। अब हम इस पर चांदी का वर्क लगा देंगे। आपने देखा होगा मोस्टली काजू कतली चांदी के वर्क से ही डेकोरेट होती है और चांदी का वर्क लगा ही होता है उस पर हमेशा, तभी वो लगती है काजू कतली जैसी। हम इस पर पूरे पे चांदी का वर्क लगा लेंगे। चांदी का वर्क लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, इधर उधर उड़ जाता है या चिपकता है हाथों पे, थोड़ा सा लगाना डिफिकल्ट होता है इसको। अब हम इसके किनारे निकाल लेंगे और इसको अपनी मनचाही शेप में काट लेंगे। हम इसको डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में भी कट कर सकते हैं, पर मोस्टली इस डायमंड शेप में ही होती है तो हम इसको डायमंड शेप में कट करेंगे। हम इसके किनारे निकाल लेंगे जो कि फ्लैट नहीं है। ये देखिए हमने इसको डायमंड शेप में कट कर लिया और हमारी बर्फी देखने से कितनी अच्छी लग रही है, एकदम मार्केट जैसे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, मैं आपको बर्फी तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है, कितनी इजीली टूट गई।